दारिद्र दहन शिव स्तोत्र को सुनने मात्र से जीवन से धन का अभाव दूर हो जाता है और चारों दिशाओं से धन के आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो आइए दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का श्रवण करें और साथ ही शिव स्तोत्र का अर्थ भी जानें। विशेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालंतिकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्गभव सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सृतिकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय चर्मांबुराय शब भस्म विलेपनाय भालक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनात्र मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालंतिकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरुचिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीति प्रियाय विश्वेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का अर्थ, जो विश्व के स्वामी हैं, जो नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, जो कानों से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले हैं, जो अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले हैं, जो कर्पूर की कांति के समान ध्वल वर्ण वाले जटाधारी हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है, जो माता गौरी के अत्यंत प्रिय हैं, जो रजनीश्वर अर्थात चंद्रमा की कला को धारण करने वाले हैं, जो काल के भी अंतक अर्थात यम रूप हैं, जो नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले हैं, जो अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, जो गजराज का विमर्दन करने वाले हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है, जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संहार के समय उग्र रूपधारी हैं, जो दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है, जो बाघ के चर्म को धारण करने वाले हैं, जो चिता भस्म को लगाने वाले हैं, जो भाल में तीसरा नेत्र धारण करने वाले हैं, जो मणियों के कुंडल से सुशोभित हैं, जो अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है, जो पांच मुख वाले नागराज रूपी आभूषण से सुसज्जित हैं, जो सुवर्ण के समान किरण वाले हैं, जो आनंद भूमि अर्थात काशी को वर प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि के संहार के लिए
तमोगुण विष्ट होने वाले हैं। दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं, जो भवसागर से उद्धार करने वाले हैं, जो काल के लिए भी महाकाल स्वरूप और जिनकी कमलासन अर्थात ब्रह्म पूजा करते हैं, जो तीन नेत्रों को धारण करने वाले हैं, जो शुभ लक्षणों से युक्त हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो राम को अत्यंत प्रिय रघुनाथ जी को वर देने वाले हैं, जो सर्पों के अति प्रिय हैं, जो भवसागर रूपी नरक से तारने वाले हैं, जो पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य वाले हैं, जिनकी समस्त देवता पूजा करते हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो मुक्ति जनों के स्वामी स्वरूप हैं, जो चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले हैं, जिन्हें गीत प्रिय हैं और नंदी जिनका वाहन है, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले हैं, महेश्वर हैं, दारिद्र रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है।